क्वेश्चन नंबर टू। अच्छा, क्वेश्चन नंबर टू में हमें तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं। पॉइंट ए जो कि है माइनस 8.6, और पॉइंट बी है माइनस 4.2, और पॉइंट सी में है माइनस 2.-6। ये तीन पॉइंट्स हमें गिवन हैं और हमें कहा गया है कि ये तीन पॉइंट्स जो हैं ये एक ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। ठीक है, मतलब इन तीनों पॉइंट से एक ट्रायंगल बनती है और ये तीनों पॉइंट वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी हैं एक ट्रायंगल के। लेट्स सपोज ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है और इसके हम नाम रख लेते हैं वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी। वर्टेक्स ए दिस वन, वर्टेक्स बी और ये वर्टेक्स सी, ये वर्टेक्स। अच्छा, अब इस ट्रायंगल में हमने करना क्या है? ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ, पार्ट वन है हमारे पास कि आपने स्लोप फाइंड करनी है ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल, हर एक साइड की। ठीक है, स्लोप ऑफ ईच साइड, मतलब कि साइड्स हमारे पास कितनी है ट्रायंगल की? तीन साइड्स हैं, ए बी साइड है, बी सी साइड है और ए सी साइड है। ये तीन साइड्स हैं और इन तीनों की स्लोप्स फाइंड करनी है। तो ए और बी साइड, ए बी साइड ये जो आपको नज़र आ रही है, इसकी स्लोप आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? ए बी साइड की स्लोप हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि ए पॉइंट, ए वर्टेक्स ए जो है वो भी एक पॉइंट है और वर्टेक्स बी जो है वो भी एक पॉइंट है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर वन में देखा था कि दो पॉइंट्स हमें गिवन हों, उससे जो लाइन बनती है उसकी स्लोप कैसे फाइंड की जाती है। तो उसी फार्मूले से, फार्मूला वही यूज़ करते हुए हम स्लोप फाइंड कर लेंगे, जो कि स्लोप बराबर थी किसके, इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, मतलब कि राइज ओवर रन। ठीक है, y2 - y1 और x2 - x1। y2 इसमें क्या होगा, कोई सा भी एक पॉइंट बी ले लें, सेकेंड पॉइंट, लेट कंसिडर बी इज़ द सेकेंड पॉइंट एंड ए इज़ द फर्स्ट पॉइंट। तो बी का वाई कोऑर्डिनेट जो है 2, वो इसमें पुट कर देते हैं वाई टू की जगह। उसके बाद वाई वन जो है पहला पॉइंट ए, पॉइंट ए का आ जाएगा एक्स वर्टेक्स जो है, एक्स कोऑर्डिनेट इज 8, सही, और डिवाइडेड बाय x2 - x1। एक्स टू की जगह, बल्कि वाई टू जो है वो हमारे पास 6 है, ए का वाई कोऑर्डिनेट, सही। 2 जो था वो बी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट और 6 जो है वो ए पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, डिवाइडेड बाय x2 - x1। x2 जो है वो पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, यानी कि दूसरे पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, माइनस x1 जो है ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो ये है स्लोप ऑफ ए बी साइड। ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी साइड 2 - 6 जो है वो बराबर आ जाएगा -4 के, डिवाइडेड बाय -4 - 8 इज, दोनों ऐड हो जाएंगे, -12 आ जाएगा, -, से कैंसिल, और 4 1 = 4 एंड 4 3 = 12। 1/3 जो है वो स्लोप है साइड ए बी की। ठीक है, स्लोप ऑफ साइड ए बी। इसी तरह से हमने बाकी दोनों साइड्स की स्लोप्स फाइंड करनी है, वो भी हम फाइंड करते हैं। अब सेकंड साइड जो है, साइड बी सी हम ले लेते हैं, स्लोप ऑफ साइड बी सी। अच्छा, बी सी में वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। अब यहाँ पर बी पॉइंट और सी पॉइंट, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, -4 - 4.2, और इसी तरह सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास थे -2 - -6। अच्छा, इसको हम सेकंड पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, इसको फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, इसको सेकंड पॉइंट कह देते हैं। अच्छा, अब इसमें से जो है ये y2 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, क्योंकि सेकंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इज़ y2 एंड फर्स्ट पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो y1। ये हम पुट कर देते हैं इसमें, y2 की जगह आ जाएगा -6, उसके बाद y1 की जगह आ जाएगा 2। इसी तरह से x2 जो है वो क्या है,
दूसरे पॉइंट का, सेकंड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इज़ एक्स टू, और पहले पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एक्स वन हो जाएगा। तो वही हम इसमें पुट कर देते हैं, एक्स टू माइनस टू और एक्स वन जो है वो है माइनस फोर। तो इसको सॉल्व करें तो माइनस सिक्स माइनस टू माइनस एट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय माइनस टू प्लस फोर, माइनस टू प्लस फोर। प्लस किस वजह से है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो रहा है आपस में, ठीक है। तो अब माइनस एट डिवाइडेड बाय फोर माइनस टू इज़ टू, एंड अब इसको डिवाइड करें तो ये हमें आंसर देगा फोर टू फोर राइट, माइनस फोर आंसर आ जाएगा। मतलब कि स्लोप ऑफ साइड बीसी जो है वो हमारे पास फोर है, ठीक। अच्छा, अब इसी तरह हमने साइड एसी की स्लोप फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ साइड एसी। एसी वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, क्योंकि हमें दो पॉइंट्स गिवन है, ए पॉइंट और सी पॉइंट, ए पॉइंट और सी पॉइंट। ए पॉइंट्स के, ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 8.6 और सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस टू कॉमा माइनस सिक्स। अच्छा, अब इसमें वाई टू क्या है, एक्स टू क्या है, एक्स वन क्या है और वाई वन क्या है, ये इसको हम फर्स्ट पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट, और इसको सेकंड पॉइंट कह लें, उसको भी हम सेकंड पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन हम जो है पहले ए आता है इसलिए मैंने उसको फर्स्ट कह दिया, बाद में सी आता है उसको मैंने सेकंड पॉइंट कह दिया। अच्छा, अब यहाँ से माइनस सिक्स जो है वो सेकंड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है, इस वजह से उसको वाई टू कह देते हैं, और ये जो सिक्स जो है वो वाई वन कहलाएगा क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है। इसी तरह माइनस टू जो है वो पहले सेकंड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, इस वजह से इसको एक्स टू कह देते हैं, और इसी तरह जो एट है वो पहले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, इसको एक्स वन कह देते हैं। तो अब हम ये वैल्यूज़ फार्मूला में पुट करते हैं, वाई टू की जगह आ जाएगा माइनस सिक्स, उसके बाद माइनस, और जो फर्स्ट पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है वाई वन, वाई वन की वैल्यू है सिक्स। अब नीचे एक्स टू की जगह हमारे पास माइनस टू आ जाएगा, और माइनस, उसके बाद एक्स वन की जगह एट आ जाएगा, माइनस सिक्स माइनस सिक्स माइनस ट्वेल्व, और इसी तरह माइनस टू प्लस माइनस टू माइनस एट इज़ माइनस टेन। अच्छा, अब इसको आपस में डिवाइड करें तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और टू फाइव से टेन एंड टू सिक्स से ट्वेल्व, सिक्स बाय फाइव जो है वो स्लोप आ जाएगी साइड एसी की, स्लोप ऑफ साइड एसी इज़ सिक्स बाय फाइव। स्लोप ऑफ साइड ए सी इज़ इक्वल टू सिक्स बाई फाइव। अच्छा, इसी तरह हमने बाकी जो है सेकेंड पार्ट भी हमने करना है। सेकेंड पार्ट में है, सेकेंड पार्ट में है जी ईच मीडियन ऑफ द ट्रायंगल, मतलब कि हमने स्लोप फाइंड करनी है, फाइंड द स्लोप ऑफ ईच मीडियन ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, मीडियन, मीडियन ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि एक ट्रायंगल का मीडियन होता क्या है, ठीक। अच्छा, अब इस मीडियन में, इस ट्रायंगल का हम पहले मीडियन फाइंड करते हैं कि मीडियन हम कैसे बना सकते हैं। पहले तो आपने एक कंपास ओपन करनी है, ठीक है, जो कि जिसकी लेंथ होनी चाहिए तकरीबन जो है, जिस साइड का मीडियन फाइंड करना है आपने उससे थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि हाफ से थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए उसकी लेंथ कंपास की। तो एक पॉइंट पर रखें, जिस तरह कि इसने पी क्यू पॉइंट पे रखा हुआ है, ठीक है, पी पॉइंट पे, पी क्यू साइड का हम मीडियन फाइंड कर रहे हैं और पॉइंट पी पे हमने कंपास रखी। अब हम क्या करेंगे कि इस लेंथ के, पी क्यू लेंथ के दोनों साइड पे, ऊपर भी और नीचे भी, हम आर्क लगाएंगे कंपास से, जिस तरह की ये हमने आर्क लगाई। अब हम क्या करेंगे, इतनी ही लेंथ ओपन करेंगे और दूसरे पॉइंट पे, इसी साइड के दूसरे पॉइंट पे, मतलब पी क्यू साइड के दूसरा पॉइंट कौन सा बनता है, क्यू पॉइंट बनता है, क्यू पॉइंट पे हम कंपास रखेंगे और उतनी ही लेंथ हम ओपन रखेंगे कंपास की, और हम पहले से लगी जो आर्क्स हैं उसको कट करेंगे। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स बनते हैं ये आर्क के, एक ये और एक ये पॉइंट बनता है, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे, ठीक।
अब यहाँ पर ये वाली लाइन जो बनी है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका, ठीक है। जिस तरह हमने पहले भी पिछली एक्सरसाइज में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, ये भी उसी तरह हमने ड्रॉ किया। ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब कि दोनों इस साइड को ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है और मिड पॉइंट पे लाई करती है, ठीक है। इस साइड के मिड पॉइंट पे, ये मिड पॉइंट है इसका। अब ये मिड पॉइंट को हम अगर आर के साथ मिला दें, ठीक है, आर के साथ ज्वाइन कर दें एस को, एस जो है वो मिड पॉइंट है पी क्यू का, ठीक है। उसको अगर हम आर के साथ ज्वाइन कर दें तो ये मीडियन बन जाता है। जिस तरह के ये हमने ज्वाइन किया, अब ये मीडियन बन गया पी क्यू साइड का। तो अब इसी तरह से बाकी दोनों साइड जो हैं पी आर और क्यू आर जो हैं, इन दोनों के भी मीडियंस हम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से यही मेथड हम यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद हमने स्लोप्स बनानी है। ये तो कंसेप्ट हो गया पहले मीडियन का। अच्छा, इस तरह से आपको ये जो डायग्राम नज़र आ रही है ट्रायंगल एबीसी, और उसके साथ में ये मीडियंस आपको नज़र आ रहे हैं, बी बी डैश जो मीडियन है, ठीक है, सी सी डैश भी मीडियन है, ए ए डैश भी मीडियन है। तीनों मीडियंस हमने ड्रॉ कर लिए उसी मेथड से जिस तरह मैंने आपको एक मीडियन बनाना सिखाया। अच्छा, अब उसी अब एक और हम कंसेप्ट देखते हैं इसमें आकर, कि दो पैरेलल लाइंस जो हैं, ये आपको दो लाइंस पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक डायरेक्शन में होने चाहिए, एक तो दोनों लाइंस को, और दूसरा ये कि आप इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, हर एक पॉइंट, ये भी जो पॉइंट लाई कर रहा है, ये आपस में बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है। ये जो बिल्कुल आमने सामने जो पॉइंट्स आते हैं वो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के बराबर होगा, इस डिस्टेंस के भी बराबर होगा, इस डिस्टेंस के भी बराबर होगा, इस डिस्टेंस के भी बराबर होगा, ठीक है। ये पैरेलल लाइन होती है। पैरेलल लाइन कभी भी आगे जाकर, मतलब कि उनको फर्दर आगे हम जो है बढ़ाएं तो वो आपस में कट कभी भी नहीं करेंगी, ठीक है। जिस तरह के मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, ये सीधी आगे जाती जाएगी, ये भी सीधी आगे जाती जाएगी, ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, आपस एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। ये होती हैं पैरेलल लाइंस। अच्छा, पैरेलल लाइन का एक और भी मतलब है कि इन दोनों की स्लोप्स, अगर स्लोप के लिहाज से देखा जाए तो इन दोनों लाइंस की स्लोप इक्वल होगी, ठीक है। स्लोप जिस तरह हमने जो पढ़ी थी वाई ओवर एक्स, यानी कि राइज ओवर रन हमने पढ़ी थी, इन दोनों लाइंस की स्लोप बिल्कुल इक्वल होगी। अगर देखा भी जाए तो बिल्कुल बराबर लग रही है। तो इस वजह से हम इसकी अगर स्लोप को की वैल्यू M1 अगर नाम रख देते हैं, इसकी जो है स्लोप इज इक्वल टू M1 है, स्लोप इज इक्वल टू M1 है, तो इस लाइन की स्लोप को हम M2 कह देते हैं, स्लोप इज इक्वल टू M2। तो फिर इन दोनों की स्लोप्स क्या होनी चाहिए, इक्वल, M1 इज इक्वल टू M2। ये M1 इज इक्वल टू M2 मैंने क्यों रखा, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस की स्लोप हमेशा इक्वल होती है, ठीक है। इस तरह से अगर हम परपेंडिकुलर लाइंस की बात करें, ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ए बी एक लाइन है और दूसरी लाइन जो है MN है, ठीक है। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, मतलब कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट जहाँ पर करती हैं वो 90 डिग्री एंगल बनाती हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री एंगल आपको नज़र आ रहा है, ये भी 90 डिग्री एंगल है, सही। तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर लाइंस हैं। तो अगर हम इनकी बात करें तो इसकी स्लोप को नाम हम रख देते हैं M1, स्लोप इज इक्वल टू, बल्कि M3 रख लेते हैं, और इसकी स्लोप का नाम हम रख लेते हैं M4। तो दो परपेंडिकुलर लाइंस का जो स्लोप्स हैं उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 होता है। ये एक प्रॉपर्टी है लाइंस की, M3 इज इक्वल टू M, बल्कि M3 मल्टीप्लाई बाई M4 जो है इज इक्वल टू -1 होना चाहिए, सही। अगर तो किसी भी दो लाइंस का की स्लोप्स का अगर हम प्रोडक्ट लें और वो -1 के इक्वल आ जाए, तो फिर वो उसका क्या मतलब है कि वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, सही। तो अगर किसी भी दो लाइंस की स्लोप्स हम फाइंड करें और वो इक्वल आ जाएं, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। अच्छा, इसी कंसेप्ट को हम आगे लेकर चलते हैं। उसने हमें कहा था क्वेश्चन में कि हमने मीडियन फाइंड करना है, मीडियन की स्लोप्स फाइंड करनी है, ठीक है। मीडियन पहले हमने देख लिया, मीडियन क्या चीज़ होती है। अच्छा, मीडियन क्या चीज़ होती है जी, ए बी
ए सी पॉइंट जो है उसका मीडियन कौन सा है, बी बी डैश। ये मीडियन जो है ये ए सी लाइन के परपेंडिकुलर भी है, क्योंकि हमने पहले ड्रॉ मीडियन ड्रॉ करने के लिए क्या किया था, सॉरी बल्कि ये परपेंडिकुलर, तो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो हमने ड्रॉ किया था, लेकिन हमने जॉइन कौन सा पॉइंट किया था, जो कि मिड पॉइंट था, ठीक है। मिड पॉइंट को हमने जॉइन कर दिया था बी के साथ, तो वो मीडियन बन गया। अब ये मीडियन की स्लोप हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सबसे पहले तो एक पॉइंट पी, हमें दो पॉइंट चाहिए होते हैं ना स्लोप फाइंड करने के लिए, सही। तो एक बी पॉइंट तो हमें गिवन है, दूसरा पॉइंट कौन सा है इस लाइन के ऊपर, ये पॉइंट लें, ये पॉइंट लें, तो हम ये फाइंड कैसे करेंगे, ये तो फिर सही अप्रोच नहीं हुई, क्योंकि हम इसकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, इस पॉइंट की लोकेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। दूसरा ये कि ये पॉइंट हम ले सकते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को भी हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा, वो तो हम बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं, कि हमें नज़र आ रहा है कि हमने इसको ड्रॉ करते हुए, मतलब कि मीडियन को ड्रॉ करते हुए देखा था कि ये बिल्कुल मिड पॉइंट को हमने जॉइन किया था बी के साथ, तो ये एक मिड पॉइंट है साइड ए सी का, तो मिड पॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं ए सी का। ए सी का मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स को सम करेंगे डिवाइडेड बाय टू कर देंगे, और दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स को सम करेंगे और तो डिवाइडेड बाय टू कर देंगे, इस तरह से हमारे पास मिड पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, तो वो हम फाइंड करते थे ए और सी पॉइंट के मिड पॉइंट। ए पॉइंट जो है वो है 8.6 ए पॉइंट, और बी पॉइंट सी पॉइंट जो है वो है -2.-6। अच्छा, अब इसके मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स को सम करें डिवाइडेड बाय टू, ये एक्स कोऑर्डिनेट बन गया मिड पॉइंट का, जिस तरह से पहले हम मिड पॉइंट फाइंड करते आए हैं, 6-6/2, ये बन गया मिड पॉइंट एम बी डैश हम इसे कह देते हैं, बी डैश। बी डैश जो है ये मिड पॉइंट है ए सी लाइन का, तो 8-2 इज 6 एंड 6/2 इज 3, और 6-6 0 हो गया, 0/2 इज 0, ये बन गया बी डैश। तो बी डैश के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3.0, इस तरह से बी के जो कोऑर्डिनेट्स हमें पहले से गिवन है -4.2। तो अब हम इसके स्लोप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ये स्लोप हम फाइंड करते हैं y2-y1/(x2-x1) स्लोप ऑफ मीडियन, स्लोप ऑफ बी बी डैश, ठीक है, बी बी डैश जो है वो मीडियन है ये वाला ए सी का। अच्छा, अब वाई टू क्या है, वाई वन क्या है, एक्स टू क्या है, एक्स वन क्या है, वो देखते हैं। इसको हम सेकंड पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं इसको, ठीक है, तो ये बन जाएगा वाई टू, ये बन जाएगा एक्स टू, और थ्री बन जाएगा एक्स वन, और ज़ीरो बन जाएगा वाई वन। इसको हम पुट कर देते हैं इसमें फार्मूला में, y2 2-0/(x2) जो है -4 है, -4-3 इज़ इक्वल टू 2/-7, यानी कि -2/7, तो ये इसकी आ गई स्लोप। अच्छा, इसी तरह से आप फाइंड कर सकते हैं ए ए डैश जो है इस मीडियन की स्लोप, किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, कि आप पहले तो मिड पॉइंट फाइंड करेंगे ए डैश, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, किस तरह से फाइंड करेंगे, बी और सी लाइन जो है उसका मिड पॉइंट है ए डैश, तो बी और सी लाइन के हेल्प से आप, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हुए उनका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे उसी फार्मूले से जिस तरह मैंने अभी मिड पॉइंट फाइंड किया, तो आपके पास ए डैश आ जाएगा, और आपने जो स्लोप फाइंड करनी है वो ए ए डैश की है, आपके पास ए डैश भी आ चुका है, ए आपको गिवन है, तो इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए आप स्लोप फार्मूला में उसकी वैल्यूज पुट करेंगे कोऑर्डिनेट्स की, और आपके पास स्लोप आ जाएगी। इसी तरह आप थर्ड मीडियन जो है सी सी डैश उसकी भी स्लोप फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, वो ये दोनों, बाकी दोनों की स्लोप्स आप खुद फाइंड करेंगे। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में हमें कहा हुआ है
कि फाइंड द स्लोप ऑफ ईच आल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा, स्लोप फाइंड करने से पहले तो हम देखते हैं ना कि आल्टीट्यूड होता क्या है। ठीक है, आल्टीट्यूड ये देखें, इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी में सी डी जो है वो आल्टीट्यूड है। ठीक है, ए बी साइड का। तो ये हमने आल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये किसी भी एक वर्टेक्स है, लेट्स सपोज ये हमने जो सी पॉइंट जो है, सी वर्टेक्स, इससे हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है ए बी साइड के ऊपर। ठीक है, किसी भी वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया जाए तो आल्टीट्यूड बन जाता है। जिस तरह के वर्टेक्स ए से मैं ड्रा करता हूँ, यहाँ से ये इस तरह से बी सी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर अगर हम ड्रा करें तो लेट्स सपोज ये 90 डिग्री एंगल है, जो कि एग्जैक्ट 90 तो नहीं है लेकिन ये 90 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आल्टीट्यूड बन जाएगा। इसी तरह से अगर बी वर्टेक्स है, मैं उसके ऑपोजिट साइड पे आल्टीट्यूड परपेंडिकुलर ड्रा करूँ उसकी ऑपोजिट साइड पे, लेट्स सपोज के ये बनता है 90 डिग्री का एंगल, तो ये आल्टीट्यूड बन जाएगा। इसको ई का नाम दे दें, इसको एफ का नाम दे दें। तो इस इन आल्टीट्यूड्स की भी हमने स्लोप फाइंड करनी है। तो इसकी हम स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक तो चलें सी डी की हम पहले फाइंड करते हैं स्लोप। तो सी डी की स्लोप कैसे आएगी, सी पॉइंट तो हमें गिवन है क्वेश्चन में, सी पॉइंट तो हो गया, अब दूसरा पॉइंट हम कहाँ से लाएँ, सी के ऊपर कोई ऐसा पॉइंट जो कि हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं और उसको हम फिर स्लोप फाइंड करने के लिए यूज़ करें। तो लेट्स सपोज ये पॉइंट हम लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट हमने लिया। तो अगर हम इस पॉइंट, ये पॉइंट अगर हम ये लेते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, इससे आसान काम ये नहीं है कि हम यही पॉइंट ले लें जो ए बी पे कट कर रहा है। ठीक, तो फिर ये पॉइंट हम कैसे लेंगे, ये तो मिड पॉइंट भी नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हम नहीं लेते क्योंकि हम ये भी अभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ऐसा करते हैं कि हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि दो परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस वन होता है, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना पहले इसी लेक्चर के शुरू में, कि एम थ्री का प्रोडक्ट था, लिया था हमने एम फोर के साथ जो कि माइनस वन के इक्वल आया था। ठीक है, तो उसको मैं दोबारा से बता दूं, ये दो परपेंडिकुलर लाइंस थी, ठीक है, एम एन और ए बी, इनकी स्लोप्स एम फोर एम और एम थ्री थी, इनका प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू माइनस वन है क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर लाइंस है। कोई भी लाइन जो आपस में परपेंडिकुलर हों उनकी स्लोप का प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस वन होगा, और जिस जिस लाइन की स्लोप्स का आपस में प्रोडक्ट जो है माइनस वन हो वो आपस में परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएंगी। ठीक है, तो इसी तरह से हमने देखा कि हमने सी से परपेंडिकुलर इसको ड्रॉ करते हुए, मीडियन को, सी डी मीडियन को ड्रॉ करते हुए हमने सी से परपेंडिकुलर लिया था ए बी के। ठीक है, ये जो है सी डी मीडियन जो है वो ए बी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब कि सी डी और ए बी आपस में परपेंडिकुलर हैं। ए बी साइड की स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ए पॉइंट हमें गिवन है, बी पॉइंट हमें गिवन है, सही। तो ए बी की स्लोप हमने जो शुरू में फाइंड की थी, हर साइड की स्लोप, उसमें ए बी की स्लोप क्या आई थी, वो पहले उसकी वैल्यू देखते हैं। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी जो थी वो 1/3 थी, उसको हम यूज़ करेंगे, सही। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ मीडियन सी डी बराबर होना चाहिए माइनस वन के, सही है। ये तो होना चाहिए बराबर माइनस वन के। अब स्लोप ऑफ ए बी हमने पहले देखा कि स्लोप ऑफ ए बी हम फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमने पहले पार्ट में फाइंड भी किया, जिसकी वैल्यू थी 1/3। अब स्लोप ऑफ मीडियन सी डी ये तो हम इस तरह से नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि हमारे पास सी पॉइंट तो चलो गिवन है,
लेकिन हमें दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं स्लोप फाइंड करने के लिए, सी पॉइंट तो गिवन है, डी पॉइंट जो है वो हमें गिवन नहीं है, या फिर कोई और पॉइंट इस लाइन पे जो लाई कर रहा हो वो भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो मतलब इसकी हम स्लोप अभी फाइंड इस तरह से नहीं कर सकते कि दो पॉइंट्स यूज़ करते हुए हम स्लोप फाइंड करें। तो हम इसका एक और मेथड यूज़ करते हैं कि हम इसी प्रॉपर्टी से स्लोप की प्रॉपर्टी जो है, लाइन की स्लोप की प्रॉपर्टी, परपेंडिकुलर लाइंस जो हैं उनकी प्रॉपर्टी हम यूज़ जो की है, दोनों परपेंडिकुलर लाइंस की आपस में स्लोप जो है इज़ इक्वल टू -1 होती है, तो वो हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही रहने देते हैं, स्लोप ऑफ मीडियन सी डी इज़ इक्वल टू -1। अब ये करते हैं कि 1/3 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड कर देते हैं। स्लोप ऑफ मीडियन सी डी इज़ इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 1/3। सही, अब ये जो आ जाएगा -1, डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें और इनका इन्वर्स हो जाए, 1/3 3/1 में चेंज हो जाएगा डिवाइड को जब हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो ये आ जाएगा स्लोप ऑफ मीडियन सी डी, इसका रिजल्ट आ जाएगा -3 और ये बन जाएगा स्लोप ऑफ मीडियन सी डी, मीडियन सी डी। एक मीडियन का स्लोप तो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है, सी डी का। इसी तरह से स्लोप ऑफ जो है ए ई, मीडियन ए ई, वो भी हम फाइंड कर सकते हैं यही प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए, ठीक है। तो ए ई के लिए हम क्या करेंगे, ए ई जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी के, तो बी सी की स्लोप फाइंड कर लेंगे जो कि पहले पार्ट में की हुई है, हम वही यूज़ कर सकते हैं। बी सी की स्लोप अब वही यूज़ करेंगे, उसका प्रोडक्ट लेंगे स्लोप ऑफ ए ई के साथ, जिसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है, उसको बस सिंपली लिखेंगे स्लोप ऑफ मीडियन ए ई, जिस तरह हमने ये लिखा स्लोप ऑफ मीडियन सी डी, और इज़ इक्वल टू हम रख देंगे -1 के, और इसी मेथड से उसकी स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह फिर थर्ड जो मीडियन है, स्लोप ऑफ मीडियन, थर्ड मीडियन कौन सा है, बी एफ, इसकी भी हम स्लोप इसी मेथड से फाइंड करेंगे, और फिर आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट आ जाएगा।